नमस्कार, मैं पंडित नरेंद्र उपाध्याय लाइव हिंदुस्तान के ज्योतिषीय कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम लोग 14 फरवरी 2021 की ग्रह स्थिति देखते हैं। 14 तारीख को मंगल मेष राशि में रहेंगे, राहु वृषभ राशि में, केतु वृश्चिक राशि में, बुध शुक्र गुरु शनि मकर राशि में, चंद्रमा और सूर्य सुबह से लेकर दोपहर तक चंद्रमा कुंभ राशि में, इसके बाद मीन में प्रवेश कर चुके कर जाएंगे और सूर्य कुंभ राशि में बने रहेंगे। राशिफल देखते हैं। मेष राशि का मिला जुला फल रहेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होती हुई दिखाई पड़ रही, लेकिन दोपहर के बाद से थोड़ा सा मन परेशान रहेगा और खर्चे को लेकर के थोड़ा कैलकुलेट करने लगेंगे। बाकी स्वास्थ्य ठीक है, मन परेशान रहेगा, वित्त की स्थिति ठीक, व्यवसाय भी ठीक और स्वास्थ्य भी आपका ठीक चलेगा। प्रेम की स्थिति पहले से बेहतर बनी हुई, कोई चिंता की बात नहीं है। हरी वस्तु का दान करें। वृषभ राशि, शासन सत्ता पक्ष से लेकर के आर्थिक स्थिति तक का मामला सब कुछ ठीक ठाक है, स्वास्थ्य भी बढ़िया है, प्रेम की स्थिति मध्यम बनी रहेगी, व्यवसाय भी अच्छा है। गणेश जी की वंदना करें। मिथुन राशि, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, बस स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए। प्रेम व्यापार वगैरह अद्भुत दिखाई पड़ रहा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं दिखाई पड़ रही है। गणेश जी की वंदना करते रहे। कर्क राशि का दोपहर तक थोड़ा जोखिम बना रहेगा, इसके बाद अच्छे दिनों की तरफ बढ़ चलेंगे। स्वास्थ्य प्रेम व्यापार सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन दोपहर तक शारीरिक रूप से या किसी भी तरीके की कोई रिस्क मत लीजिए। शिव जी को प्रणाम करते रहिए। सिंह राशि को कोई भी महत्वपूर्ण अगर कार्य निपटाना है तो दोपहर तक निपटा लीजिए, इसके बाद थोड़ा जोखिम भरा समय शुरू हो जाएगा। स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रेम पहले से मध्यम चल रहा है, व्यापारिक दृष्टिकोण से आप सही चल रहे हैं। भगवान विष्णु को प्रणाम करते रहे। कन्या राशि, अच्छी स्थिति है, कोई जोखिम नहीं है, निरंतर आप आगे बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य थोड़ा मध्यम जरूर बना हुआ है, लेकिन प्रेम व्यापार आपका सही चलते जा रहा है। शनिदेव को प्रणाम करते रहे। तुला राशि, बस भावनाओं पे काबू रख के आगे बढ़िए। शत्रु थोड़ा परेशान करने की कोशिश करेंगे लेकिन कर नहीं पाएंगे, आप आगे निकल जाएंगे। स्वास्थ्य ठीक है, प्रेम भी ठीक है, व्यापार मध्यम गति से चलते जा रहा है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। भगवान गणेश को प्रणाम करते रहे। वृश्चिक राशि, आप थोड़ा कलह से बचिए, कलहकारी सृष्टि का सृजन हो रहा है, उस पर ध्यान दीजिए। बाकी आपका स्वास्थ्य प्रेम व्यापार सब कुछ अच्छा है, प्रेम में उलझिएगा मत। भगवान विष्णु को प्रणाम करते रहे। धनुराशि, कोई भी योजनाओं को अगर लागू करना है तो आप दोपहर तक लागू कर दीजिए, इसके बाद थोड़ा सा कलाकारी सृष्टि का सृजन होगा। स्वास्थ्य मध्यम, प्रेम व्यापार आपका सही चल रहा है। हरी वस्तु का दान करें। मकर राशि, योजनाएं फलीभूत होती हुई दिख रही हैं, स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए। प्रेम व्यापार आपका सही चलने लगा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं दिखाई पड़ रही। भगवान गणेश को प्रणाम करते रहे। कुंभ राशि, निरंतरता में आप आगे चल रहे हैं और अब किसी तरीके की कोई सरकारी जोखिम भी नहीं है, आप आगे बढ़ गए हैं, रौब रुआब बना हुआ है। स्वास्थ्य ठीक, प्रेम मध्यम, व्यापार ठीक। गणेश जी को प्रणाम करते रहे। मीन राशि, जोखिम से उभर चुके हैं, निरंतर आप आगे बढ़ रहे हैं, स्वास्थ्य मध्यम है, प्रेम व्यापार अच्छा चलने लगा है। शिव जी को प्रणाम करते रहे। नमस्कार।